ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 65 लाख रुपए के बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 70,000 रुपए, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गोली मार दी, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। बदमाश के पास से लूट की एक बाइक, एक तमंचा, एक मोबाइल फोन, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए। थाना भोपाल क्षेत्र के रहमत नगर रजवाहा का मामला। गोंडा में कटुआ बाजार थाना क्षेत्र में दो गांव के बच्चों से विवाद हो गया, जिसकी वजह से दो गांव के लोग आमने सामने आ गए। मामला अहिरनपुर गांव का है, जहां गांव माधवपुर के दो बच्चे शैंपू खरीदने गए थे, लेकिन बच्चों से दुकान का डिब्बा गिर गया, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने बच्चों के साथ मारपीट की और बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद दोनों गाँव के लोग आमने सामने भिड़ गए और लाठी डंडे और ईंट पत्थर जमकर बरसे। साथ ही इस दौरान आगजनी भी हुई। आगजनी में 3 लोगों के छप्पर जलकर राख हो गए। विवाद में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया। वो तो एक लड़का सैंपल लेने वहां गया था, तो अहिरनपुर में चल रहा, तो सैंपल लिया तो लड़के में झगड़ा हो गया। तो फोन किया तो वहाँ से 2-4 लोग गए कि क्यों झगड़ा किया, तो यादव लोग थे वो लोग वहीं पे ईटा गुम्मा चला गया। तो हम लोग खाली हाथ गए थे, कोई लड़ाई करने गए नहीं थे, वो सब लोग गुम्मा चला गया, 2-4-5 लोग घायल हो गए। फिर आदमी जब तक पहुँचे तो वो लोग अपना मढ़ा भी अपने हाथे से फूंका, वहाँ पुलिस भी खड़ी थी उनके सामने, वो अपना मढ़ा फूंक दिया। 2-3 पुलिस के सामने ही मढ़ा फूंक गया। ये थाना कटरा बाजार के अंतर्गत ग्राम माधोपुर का एक मजरा है, अहिरन का पुरवा। उसमें 2 बच्चों में पहले झगड़ा हुआ और वो झगड़ा जो है उसमें वयस्क भी शामिल हो गए और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष के मड़ा आदि में आग लगा दी गई और मारपीट की गई है। इन दोनों पक्षों का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।